हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन. दिस इज गौरी. सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी को कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाली है, ओके, फॉर द PhD एडमिशन. सो उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो मैं आप सभी को यहाँ पे सिखा रही हूँ. एंड आज का जो मेरा सेशन है वो है 11th लेक्चर. एंड इन टूडे सेशन में आप सभी को पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सिखाने वाली हूँ बाय यूजिंग द MCQs. सो बेसिकली ये दोनों भी टॉपिक्स बहुत ही इसेंशियल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर आपको एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आफ्टर व्यूइंग ऑल दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज टू टेस्ट्स, आप मुझे कमेंट करके पूछो. वैसे भी आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग दीज टू टेस्ट्स वो इस सेशन में वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो, ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज ग्रेट एग्जामिनेशन में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप ग्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, ओके. सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिविजन PDF मिलता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन PDF आप सभी लोग एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो. एंड गारंटीड आपको 80% MCQs यहां से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ ग्रेट एग्जाम, ओके. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है, ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड देखो, कोर्स की फीस बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़, ओके. सो स्टूडेंट्स, इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड करती है ताकि आप सभी का PhD के लिए एडमिशन हो जाए टू द अलाहाबाद यूनिवर्सिटी. एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है कि आप गारंटीड ग्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों भी, ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. नाउ द क्वेश्चन 1 इज, अनलाइक द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट मेक सर्टन अजम्पशंस अबाउट डैश. सो बेसिकली जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हम लोग करते हैं एंड दोज आर बेसिकली अपॉन द सर्टन अजम्पशंस. सो वो अजम्पशंस क्या है जो कि अजम्पशंस हम सभी लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में करते नहीं है. सो ये दोनों भी टेस्ट्स एक्चुअली स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स है एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है. सो लेट अस सी दैट डिफरेंस वन बाय वन. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके. सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है, ओके, उसको एब्सोल्यूट नंबर होता है, मतलब जो डेटा होता है उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं एंड उनको हम लोग प्रॉपरली मेजर भी कर सकते हैं, ओके. एंड जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, विच इज़ द यू नो बेसिक अजम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके. एंड नाउ द सैम्पल साइज इज़ वेरी लार्ज इन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड अजम्पशन ऑन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, मतलब जैसे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे अजम्पशंस हम लोग करते हैं. एंड जो पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स है वो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, मल्टीपल रिग्रेशन, टू वे अनोवा, एंड ये सारे टेस्ट हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे, सो डोंट वरी. एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, ओके. सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली बेस्ड अपॉन रैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप एब्सोल्यूट नंबर्स दे रहे हो डेटा को, वैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप एब्सोल्यूट नंबर्स देते नहीं हो, बेसिकली आप उनको रैंकिंग्स देते हो, ओके, रैंकिंग्स देते हो. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं. एंड सैम्पल साइज यहाँ की स्मॉल होती है, ओके. एंड यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं होता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है. एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एग्जाम्पल्स है वो है काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, मेडियन, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्स,
नाइन रैंक्स टेस्ट एंड ये सब टेस्ट हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी ओवर हियर ऑप्शंस, सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ द अबव. सो जैसे कि आपने देखा दोनों ही डिफरेंसेस को, सो जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बारे में पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग अजम्पशंस करते हैं. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग ऐसा कोई भी अजम्पशन करते नहीं है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी ओवर हियर 3, दैट इज अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड. सो इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, साइन टेस्ट या फिर ऑल दी अबव. सो यहाँ पे जो टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट है ये दोनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट्स है. ओके, एंड जो साइन टेस्ट है ये बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि ये टेस्ट एग्जैक्टली है क्या. सो नाउ जो टी टेस्ट है, ओके, ये हमें बेसिकली बताता है कि वेदर देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यूज, ओके, व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. ओके, सो ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि एग्जैक्टली दो अगर ग्रुप्स है हमारे पास, ओके, एंड अगर आप उनकी मीन वैल्यूज निकालते हो, सो इन मीन वैल्यूज में कोई डिफरेंस है या नहीं, ये हमें टी टेस्ट बताता है. एंड इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, पॉपुलेशन का, वो बेसिकली नॉर्मल होता है, एंड दैट्स वाई ये पैरामेट्रिक टेस्ट है. एंड एज वेल यहाँ पे जो सैंपल साइज होती है वो स्मॉल होती है एंड विच इज लेस देन 30, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता नहीं होता है. ओके, बट पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे कि हमने देखा कि सैंपल साइज ये लार्ज होती है, बट टी टेस्ट दो इट इज पैरामेट्रिक बट इसकी जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है. ओके, नाउ व्हाट इज जेड टेस्ट? सो अगेन जेड टेस्ट भी हमें यही बताता है कि पॉपुलेशन है हमारे पास एंड हमारे पास दो ग्रुप्स है, सो उन दो ग्रुप्स के मीन्स में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं. बट यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज होती है वो ज़्यादा होती है, बेसिकली विच इज ग्रेटर दैन 30. ओके, एंड एज वेल यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो पता होती है. ओके, एंड जेड टेस्ट अगेन इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके, नाउ जो साइन टेस्ट है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करते हैं पॉपुलेशन का, जैसे हम लोग टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट में करते हैं. सो बेसिकली साइन टेस्ट जो है ये कंपेयर करता है साइजेस ऑफ टू ग्रुप्स को. ओके, मतलब अगर आपके पास दो ग्रुप्स है देन उनके साइजेस को यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट. मतलब अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप टी टेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाते हो देन अल्टरनेटिवली आप साइन टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिव टू द टी टेस्ट. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. काई स्क्वेयर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो काई स्क्वेयर टेस्ट ये किसका एग्जाम्पल है, वेदर इट इज पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और सर्वे टेस्ट. सो हम यहाँ पे सिर्फ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देख रहे हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही टेस्ट होते हैं, मतलब पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आपके जो नीचे के दो ऑप्शन है वो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बेसिकली स्टूडेंट्स काई स्क्वेयर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, बिकॉज काई स्क्वेयर टेस्ट में हम लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का वो यहाँ पे अज्यूम नहीं करते हैं बेसिकली, एंड काई स्क्वेयर टेस्ट के भी अगेन दो टाइप्स होते हैं, एंड उनमें से पहला है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. ओके, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिटर्मिन करते हैं कि वेदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है एंड बेसिकली जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं. सो दिस इज नथिंग बट द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. एंड जो दूसरा टेस्ट है काई स्क्वेयर टेस्ट वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन डिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेदर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एग्जैक्टली कोरिलेशन है या नहीं, एंड ये दोनों भी टेस्ट बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर.
द क्रुस्कल वैलीज टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू द नाउ क्रुस्कल वैलीज टेस्ट. ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, बट ये किसके लिए ऑल्टरनेटिव टेस्ट है? सो बेसिकली हर एक पैरामेट्रिक टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एक ऑल्टरनेटिव होता है. सो इसका मतलब ये है कि किसी भी वजह से अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप अजम्पशंस फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन इन दैट सिचुएशन आप उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो, मतलब विच इज ऑल्टरनेटिव टू द पैरामेट्रिक टेस्ट. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वे क्रुस्कल वैलीज टेस्ट ये किस पैरामेट्रिक टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है. सो वेदर इट इज फैक्टोरियल डिजाइन और वन वे अनोवा और टू वे अनोवा और नन ऑफ दिस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट से, मतलब फैक्टोरियल डिजाइन, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा, ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट से, बट इनमें से सिर्फ एक ही क्रुस्कल वैलीज टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है एंड वो है वन वे अनोवा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. बिकॉज जो क्रुस्कल वैलीज टेस्ट है, बेसिकली इट कंपेयर्स टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइजेस. सो बेसिकली अगर आपके पास इक्वल या फिर डिफरेंट सैंपल साइजेस है, ओके, सो उनको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दो से भी ज़्यादा सैंपल को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बाई यूजिंग क्रुस्कल वैलीज टेस्ट. एंड बेसिकली वन वे अनोवा में भी हम लोग यही करते हैं, बट वन वे अनोवा ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर अजम्पशंस को हमें गाइड करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है. बट अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप वन वे अनोवा नहीं कर पाते हो, देन इन दैट सिचुएशन आप क्रुस्कल वैलीज टेस्ट करोगे. सो दोनों के भी ऑब्जेक्टिव सेम ही रहते हैं बट अजम्पशंस डिफरेंट होते हैं. सो वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा में एक ही डिफरेंस होता है, वो है कि वन वे अनोवा में हम लोग सिर्फ एक ही फैक्टर को मेजर करते हैं एंड हम लोग सिर्फ उनको ही देखते हैं कि वेदर दे आर डिफरेंट इन द ग्रुप्स और नॉट. बट टू वे अनोवा में हम लोग ऐसे दो फैक्टर्स को मेजर करके उनके डिफरेंसेस देखते हैं, ओके, मतलब दो फैक्टर्स, एंड दैट्स वे इसको वन वे अनोवा कहा जाता है एंड इसको टू वे अनोवा कहा जाता है. आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि दो से भी ज्यादा वेरिएबल्स को या फिर दो से भी ज्यादा ग्रुप्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. जैसे कि आप टी टेस्ट में सिर्फ दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, जेड टेस्ट में भी दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, बट क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, वन वे अनोवा या फिर टू वे अनोवा, इन तीनों भी टेस्ट में आप दो से भी ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो एंड वो भी जो सैंपल्स साइजेस होती है, ओके, वो बेसिकली इक्वल साइजेस होती है या फिर डिफरेंट होती है, ओके, इट डज नॉट मैटर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी टू. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल यू यूज टू फाइंड आउट वेदर चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू सक्सीड एट स्कूल इज रिलेटेड टू द साइज, एथनिसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ देयर फैमिलीज. सो आप इनमें से कौन से टेस्ट को करोगे अगर आपको जानना है कि जो चिल्ड्रंस मोटिवेशन है, ओके, टू सक्सीड एट स्कूल, सो ये मोटिवेशन एग्जैक्टली किसके साथ कैसे रिलेट करता है, मतलब साइज के साथ वो कैसे रिलेट करता है, एथनीसिटी के साथ वो कैसे रिलेट करता है एंड एज वेल चिल्ड्रन के जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनके फैमिलीज की, उसके साथ भी कैसे रिलेट करता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे देन यहाँ पे चिल्ड्रंस मोटिवेशन ये एक वेरिएबल है एंड बेसिकली ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ओके, बिकॉज आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, ओके, एंड जो साइज है, एथनीसिटी है एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये तीनों भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है ये आपको यहाँ पे टेस्ट करना है. सो अगर आपको ऐसे करना होता है देन आप इनमें से कौन से टेस्ट को फॉलो करोगे. सो वेदर काय स्क्वायर टेस्ट को करोगे या फिर क्रुस्कल वैलीज टेस्ट को करोगे या फिर मल्टीपल रिग्रेशन या फिर टू वे अनोवा. सो आप इन सच सिचुएशन आप मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करोगे बिकॉज मल्टीपल रिग्रेशन ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम सभी लोग एक से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है
और यू कैन से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी सारे हैं टेस्ट में, ओके, उनका जो रिलेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसा है उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं. बट बाकी के टेस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि काय स्क्वायर टेस्ट में आप सिर्फ दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो. अगेन क्रुस्कल वैलिस टेस्ट में आप दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो. टू वे अनोवा में भी अगेन आप दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो. बट यहाँ पे आप वेरिएबल्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, उनको आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते. मतलब जैसे कि यहाँ पे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है. बट इन बाकी के टेस्ट में यहाँ पे सिर्फ यू नो दो यहाँ पे अगर ग्रुप साइजेस ज़्यादा है, मतलब अगर एक से भी ज़्यादा या फिर दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स हो, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो ही रहते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट. ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट मल्टीपल रिग्रेशन में दो से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इन सच केसेस आप मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करोगे, ओके. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी थ्री, ओके. Which of the following are the assumptions underlying the use of parametric statistics? So again, आपको यहाँ पे यही question पूछा है कि इनमें से कौन से assumptions आप you know follow करते हो जब भी आप parametric test करते हो. So let us see here. The variable being studied is continuous. मतलब जिन variable के you know ऊपर आप study कर रहे हो, so basically ये variables continuous होने चाहिए. कंटिन्यूस का मतलब है कि यू नो उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए. एंड एज वेल यहाँ पे रेशोज़ भी चलेंगे, जैसे कि 2/3, 3/4 एंड दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे जो आंसर्स मिलेंगे वो बेसिकली डेसिमल पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेंगे. मतलब 2.1, 2.2, 2.3 लाइक दैट. मतलब ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स रहेंगे, ओके. मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. सो जो मेजरमेंट्स नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के आधार पर होते हैं उसमें हम लोग डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स को क्लासिफाई करते हैं या फिर उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ओके. स्कोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब आपका जो डेटा है और यू कैन से कि जो पॉपुलेशन है उसका जो डेटा है, सो बेसिकली दैट होल पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. And variances over two groups are equal. मतलब अगर आप दो groups को यहाँ पे compare करना चाहते हो, then उनके जो variances होते हैं वो variances equal होने चाहिए. And that's why your correct answer should be students two, that is A, C and D only. Because देखो continuous variable तो होने चाहिए. जैसे कि हमने देखा कि जो parametric test होती है उसमें जो data होता है उनको हम लोग absolute values provide करते हैं. So basically हम उनको numerical values provide करते हैं. And that's why ये एक assumption रहेगा. As well measurements यहाँ के nominal and ordinal scale के आधार पर होते नहीं है, because हम लोग यहाँ पे data को न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो ये अजम्पशन यहाँ पे नहीं आएगा. एज वेल ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल, ओके. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. एंड एज वेल कई केसेस में हमने देखा, जैसे कि जेड टेस्ट है, ओके, उसमें हमने देखा कि जो वेरियंसेस होते हैं दो ग्रुप्स के वो इक्वल होने चाहिए. सो दिस इज द अनादर अजम्पशन एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू, ओके. In testing for the difference between two populations, it is possible to use. So, अगर आपको दो populations के बीच का जो difference है उसको अगर test करना है, then in that situation, आप कौन से test को करोगे? So, whether you will use Wilcoxon rank sum test or the sign test or either of the above or none of these. So, basically students, let us see first of all कि ये दोनों tests exactly है क्या? सो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट जो है, दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू टू सैम्पल टी टेस्ट, ओके. टू सैम्पल टी टेस्ट का ये ऑल्टरनेटिव है, यानी कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. एंड जैसे कि हमने देखा कि टी टेस्ट ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें हम दो ग्रुप्स के मीन्स को यू नो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड वी विल सी कि वेदर दोज मीन्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट. एंड दैट्स व्हाई विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट ये एक
टू सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, देन इसका मतलब ये है कि बाय यूज ऑफ विलकॉक्स एंड रैंकसम टेस्ट हम सभी लोग दो पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग देयर मीन्स बेसिकली. सो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन सच सिचुएशंस. एंड जो साइन टेस्ट है, ओके साइन टेस्ट, सो बेसिकली इसमें भी हम लोग दो ग्रुप्स के साइजेस को कंपेयर करते हैं एंड दिस इज द अल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट. सो अगेन यहाँ पे भी हम सभी लोग दो पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं. ओके एंड साइन टेस्ट भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि हमने इसी वीडियो में देखा था, राइट. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी थ्री, दैट इज ईदर ऑफ द अबव. सो अगर आपको दो पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट करना है देन आप इनमें से कौन से भी टेस्ट को फॉलो कर सकते हो, मतलब विलकॉक्स एंड रैंकसम टेस्ट को भी आप कर सकते हो एंड एज वेल आप साइन टेस्ट को भी कर सकते हो. एंड ये दोनों भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके इफ अ काई स्क्वायर कुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हैज सिक्स कैटेगरीज एंड कैपिटल एन इज 30, देन द करेक्ट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पे जानना है कि एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है एंड जो वैल्यूज आपको मिली है, सो उनमें कोई डिफरेंस एग्जैक्टली है या नहीं, सो इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट दिस देन इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करोगे. सो अगर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में अगर सिक्स कैटेगरीज है, सो यहाँ पे सिक्स कैटेगरीज का मतलब होता है सिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स. ओके एंड कैपिटल एन है 30, सो कैपिटल एन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज, सो बेसिकली दिस इज 30. सो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करने. सो व्हाट इज एग्जैक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके स्टडी में. ओके सो दोज आर नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इनको जानने में बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए बिकॉज इफ यू नो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर यूअर स्टडी देन यू कैन कैलकुलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर. ओके बाय यूजिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल ऑफ यू गेटिंग, बिकॉज अगर आपको पता है कि इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके स्टडी में देन यू कैन बेसिकली स्टडी और यू कैन बेसिकली मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर. सो यू कैन से कि जितने भी सारे फ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपके स्टडी में उसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है. एंड अगर आप काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हो एंड अगर आपके पास सिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स है देन आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा उसका जो फॉर्मूला है वो है डी एफ इज इक्वल टू के माइनस वन एंड के का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड डी एफ मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा वो रहेगा सिक्स माइनस वन फाइव एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन. एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये बेसिकली हर एक टेस्ट के लिए अलग होता है, मतलब आई मीन टू से दैट कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की का जो फॉर्मूला है वो हर एक टेस्ट के लिए डिफरेंट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है क्या. सो जैसे कि यहाँ पे काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है, बट अगर कोई दूसरी टेस्ट यहाँ पे आपको पूछी गई है जैसे कि टी टेस्ट है जेड टेस्ट है देन इन दैट सिचुएशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा. ओके द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ एन अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट इज. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट देखोगे एंड टू व्हाट एग्जैक्टली अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वो क्या है, सो साइन टेस्ट या फिर विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट या फिर मैन विटनी यू टेस्ट या फिर क्रुस्कल वैलीज टेस्ट. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा था, अगर आप साइन टेस्ट देखोगे देन ये किसका अल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स, दिस इज अल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट, राइट. ये हमने देखा वन सैंपल टी टेस्ट और यू कैन से दिस इज अल्टरनेटिव टू पेयर्ड टी टेस्ट. ओके सो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे आपको अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए पूछा है, सो दिस गेट एलिमिनेटेड. अगेन विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट ये बेसिकली टू सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, राइट. सो ये भी अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव नहीं आएगा, सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. क्रुस्कल वैलीज टेस्ट ये किसका अल्टरनेटिव है, वन वे अनोवा, जो कि हमने इसी सेशन में देखा था, राइट.
सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी मैन व्हिटनी यू टेस्ट. ओके सो मैन व्हिटनी यू टेस्ट ये अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है. ओके ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड बेसिकली मैन व्हिटनी यू टेस्ट जो है बेसिकली इट इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स व सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. ये हमें ये बताता है. एंड एज वेल इट इज़ बेस्ड ऑन कंपेरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सैम्पल विथ एवरी ऑब्जर्वेशन इन अदर सैम्पल. ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड दैट्स वाई ये एक अनपेयर्ड सैम्पल्स टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है, मतलब अल्टरनेटिव है. ओके नेक्स्ट इज इन अ विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट. ओके सो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में अगर ये होता है देन वॉट विल हैपन. सो टाइज नेवर अफेक्ट द डिसीजन, मतलब टाइज डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता है. टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन, मतलब टाइज डिसीजन को ऑलवेज अफेक्ट करता है. या फिर टाइज विद इन वन सैंपल में अफेक्ट द डिसीजन, मतलब एक ही सैंपल में अगर टाई होता है देन वो डिसीजन को अफेक्ट करता है. या फिर टाइज बिटवीन द टू सैंपल्स में अफेक्ट द डिसीजन, मतलब दो सैंपल्स के बीच के टाइज को ये मे भी अफेक्ट कर सकता है. सो बेसिकली योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी टू, दैट इज टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है, ओके सो दिस इज अल्टरनेटिव टू व्हाट, टू सैंपल टी टेस्ट. ओके एंड हमने देखा कि टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग दो ग्रुप्स के मीन्स को कैलकुलेट करके देखते हैं कि वेदर दोज मीन्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब उनके उनके बीच में अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं. सो अगर इनके जो मीन्स है, ओके उनके अगर उनमें अगर टाइज क्रिएट होते हैं, मतलब अगर उनकी वैल्यूज इक्वल है देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इक्वल वैल्यूज, ओके बिकॉज ऑफ द टाइज, ओके हमारे जो डिसीजन है उनके ऊपर काफ़ी अफेक्ट होता है. मतलब टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके एंड दैट्स वाई अगर टाइज आती है देन ऑब्वियसली आपको ये टेस्ट फिर से करने की ज़रूरत है. ओके दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू, दैट इज टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके When using the sign test, if two scores are tied, then we. So again, अगर आप sign test करते हो, जैसे कि पिछले question में आपको Wilcoxon rank sum test के लिए पूछा था, वैसे ही अगर आप sign test करते हो and उसमें अगर दो scores का tie होता है, then हमें उन scores को count करना चाहिए या फिर discard करना चाहिए या फिर depends upon the scores, मतलब scores की values क्या है उनके ऊपर ये चीज़ depend रहेगी या फिर none of these. सो बेसिकली स्टूडेंट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी टू ओवर हियर, दैट इज डिस्कार्ड देम. जैसे कि हमने देखा कि अगर टाइज होते हैं देन टाइज की वजह से ऑलवेज हमारे डिसीजन पे इफेक्ट होता है एंड दैट्स वाई अगर टाइज आते हैं देन वी शुड डिस्कार्ड द वैल्यूज, वी शुड डिस्कार्ड द स्कोर्स. ओके द रन्स टेस्ट रिजल्ट्स इन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ रैंडमनेस व्हेन. ओके सो सो यू नो अगर आप रन्स टेस्ट कर रहे हो एंड इन दैट सिचुएशन अगर आपको नल हाइपोथेसिस की वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ती है, ओके सो वो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू आपको किस सिचुएशन में रिजेक्ट करनी पड़ती है. ओके सो देर इज एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ रन्स. सो अगर वहाँ पे अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ रन्स है तो, या फिर देर इज एन अनयूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ रन्स. अगर वहाँ पे अनयूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ रन्स है तो, या फिर ईदर ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स लेट इज सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि रन्स टेस्ट एग्जैक्टली है क्या. ओके सो रन्स टेस्ट एग्जामिन्स वेदर अ स्ट्रिंग ऑफ डेटा इज ऑकरिंग रैंडमली फ्रॉम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली आपके पास एक डेटा की सीरीज है, ओके एंड उस डेटा की सीरीज में जो डेटा है, ओके सो बेसिकली वो डेटा रैंडमली है या फिर नहीं है ये हमें रन्स टेस्ट बताता है एग्जैक्टली. ओके सो बेसिकली रन्स टेस्ट एनालाइजेस ऑकरेंस ऑफ सिमिलर इवेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय इवेंट्स दैट आर डिफरेंट. ओके
मतलब सिमिलर इवेंट्स के ऑकरेंस जो होते हैं उनको हम रन्स टेस्ट के टेस्ट से एनालाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली है ये जो रन्स है ये है क्या एग्जैक्टली. ओके सर, रन्स का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज, मतलब सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज, उनको रन्स कहा जाता है. ओके सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यूज है एंड 1 से लेकर 5 तक. ओके सो बेसिकली दिस विल बी योर इंक्रीजिंग वैल्यूज, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड 5 से लेकर 1 तक विल बी योर डिक्रीजिंग वैल्यूज. सो इनकी जो सीरीज होती है उसे रन्स कहा जाता है. ओके ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स वाई अगर ये जो सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है ओके वो अगर बहुत ही ज्यादा वैल्यूज है, मतलब सीरीज अगर बहुत ही ज्यादा है या फिर सीरीज अगर बहुत ही कम है, ओके देन इन दैट सिचुएशन जो नल हाइपोथेसिस होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. मतलब नल हाइपोथेसिस ऑफ रैंडमनेस को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है इन बोथ द सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज ईदर ऑफ द अबव. मतलब ये जो रन्स है, मतलब सीरीज है ओके उनकी जो वो अगर है एंड अगर उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है या फिर अगर उनकी वैल्यूज बहुत कम है, सो इन दोनों भी सिचुएशंस में आप नल हाइपोथेसिस ऑफ रैंडमनेस को रिजेक्ट करोगे इन द रन्स टेस्ट. मतलब एक ही अगर सिचुएशन इनमें आती है देन आप फिर भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. ओके टू परफॉर्म अ रन्स टेस्ट फॉर रैंडमनेस द डेटा मस्ट बी. सो अगर आपको रन्स टेस्ट फॉर रैंडमनेस को परफॉर्म करना है देन उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब डेटा किस प्रकार का होना चाहिए, वेदर द डेटा शुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और डिवाइडेड इंटू एटलीस्ट 2 क्लासिफिकेशंस और डिवाइडेड इंटू एग्जैक्टली 2 क्लासिफिकेशंस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आपको रन टेस्ट को परफॉर्म करना है देन डेटा को आपको एग्जैक्टली 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करना है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रन्स का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 से लेकर 5 तक इंक्रीजिंग वैल्यूज है एंड अगर आपको इन वैल्यूज के ऊपर अगर आपको रन्स टेस्ट को करना है देन आप क्या करोगे, इनका मेडियन निकालोगे. ओके मतलब 1, 2, 3, 4, 5. सो हियर योर मेडियन विल बी 3. सो मेडियन के पीछे के जो नंबर्स होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, ओके वन ग्रुप, एंड मेडियन के बाद में जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली सेकेंड ग्रुप में आएंगे, एंड दैट्स वाई यू नीड टू क्लासीफाई एग्जैक्टली योर डेटा इंटू 2 क्लासिफिकेशंस. ओके एंड यहाँ पे जो वैल्यूज मेडियन से भी ज़्यादा होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 एंड 5, ओके मतलब यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप में जितनी भी सारी वैल्यूज है उनको आप प्लस साइन देते हो, एंड जो वैल्यूज मेडियन से कम होती है यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे वैल्यूज है उनको हम लोग माइनस साइन देते हैं. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4. ओके सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रन्स टेस्ट करते हो. ओके व्हेन टेस्टिंग फॉर रैंडमनेस वी कैन यूज, नाउ अगेन आपको वही क्वेश्चन पूछा है एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी. अगर आपको रैंडमनेस के लिए टेस्ट करना है देन इन दैट सिचुएशन आप कौन से टेस्ट को फॉलो करोगे, वेदर यू विल फॉलो मैन विटनी यू टेस्ट या फिर साइन टेस्ट या फिर रन्स टेस्ट या फिर नन ऑफ दिस. सो ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा अभी कि इन सच सिचुएशंस आप रन टेस्ट को करोगे बिकॉज रन्स टेस्ट इज ओनली फॉर रैंडमनेस. ओके रैंडमनेस को असेस करने के लिए आप रन्स टेस्ट को करोगे एंड मैन विटनी यू टेस्ट ये टी टेस्ट का क्या है और यू कैन से अनपेयर्ड टी टेस्ट का ये ऑल्टरनेटिव है एंड साइन टेस्ट ये वन सैंपल टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है, राइट. ओके सो इन दोनों के भी ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है एंड अगर आपको रैंडमनेस के लिए टेस्ट करना है देन इन दैट सिचुएशन ऑफ आप रन्स टेस्ट को फॉलो करोगे. ओके नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी 1 by 1 ऑल द स्टेटमेंट्स एंड लेट अस सी कि वो सही है या फिर गलत है. अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट ड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. सो अगर गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है देन उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस से अफेक्ट नहीं होती है एंड ये स्टेटमेंट सही है. ओके सो अगर कोई भी यू नो डिस्पर्जन का गुड मेजर है देन उसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती है एंड ये स्टेटमेंट सही है. स्टैंडर्ड डेविएशन इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज
thus making it most reliable measure of dispersion. So basically standard deviation जो है ओके उससे एक्चुअली और बेसिकली इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट्स इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये इफेक्ट मतलब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से. ओके एंड दैट्स वाई ये गलत स्टेटमेंट है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमेशा मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता नहीं है. ओके कभी कभार उसमें एरर्स भी आती है एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन वन. ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है जिसको आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है. सो बेसिकली दिस इज आर स्क्वायर. ओके एंड इसका जो नंबर होता है वो हमेशा जीरो एंड वन के बीच में होता है. एंड इट मेजर्स हाउ वेल अ स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रेडिक्ट्स एन आउटकम. मतलब ये बेसिकली हमें बताता है और मेजर करता है कि एक स्टैटिस्टिकल मॉडल ओके बेसिकली आउटकम कैसे प्रेडिक्ट करता है. सो ये इसके बारे में जो मेजरमेंट होता है वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है. एंड ऑलवेज दिस इज लेस देन वन मतलब इसकी वैल्यू जीरो एंड वन के बीच में ही रहती है एंड ऑलवेज इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. ओके नाउ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट रिक्वायर अस टू मेक रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस अबाउट शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ये हमने इसी सेशन में देखा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें किसी भी प्रकार के अजम्पशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जेड टेस्ट कैनॉट बी अप्लाइड वेन पॉपुलेशन इज नॉर्मल. नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जेड टेस्ट ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड इसमें हमेशा पॉपुलेशन जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी नॉर्मल ऑलवेज. And that's why your correct answer should be 1 over here, A, C, D only. Okay, because यहाँ पे सिर्फ A, C, D ये तीनों ही statements ऐसे हैं, वो सही है. And B and E ये दोनों भी statements गलत है. Okay? So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything, जितना भी मैंने सिखाया आपको. I know both of these topics are bit difficult to understand, but अगर आप again and again, you know, ऐसे MCQs को solve करोगे, then you will understand exactly कि exactly what are parametric test, what are non-parametric test, and हम लोग किस situation में पैरामेट्रिक टेस्ट को फॉलो करते हैं एंड किस सिचुएशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को फॉलो करते हैं एंड कितने सारे पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको कैसे किया जाता है एंड एज वेल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, उनको कैसे सिचुएशन में किया जाता है. सो ये सब चीज़ें यू विल अंडरस्टैंड. बट दो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.